नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है और होप आप सब लोग सेफ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ये मेरा तीसरा वीडियो है, और तीसरा नहीं है, तो मैंने कई सारे वीडियो डाले, लेकिन जब से मैंने दोबारा शुरू किया फिर से, तो इसके बाद से ये मेरा तीसरा वीडियो है। और आई होप आप लोग भी इस वीडियो को भी एंजॉय करेंगे। इसमें मैं अपने ऑनलाइन शॉपिंग के एक्सपीरियंस को बता रही हूँ, क्योंकि आप सभी लोग, जैसा भी लोग जानते हैं कि इस समय जो स्थिति चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन जो है बहुत थोड़ी सी टिपिकल है, क्योंकि इस समय सभी जगह कोरोना फैला हुआ है और हम लोग को बहुत सोच समझ के बाहर निकलने की ज़रूरत है। और स्पेशली मैं अपने लिए, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है 1 साल की, इसलिए मैं बाहर बिल्कुल नहीं निकलती, क्योंकि मैं निकलूँगी तो उसे ले कर निकलना पड़ेगा, तो जो कि उसके लिए सेफ़ नहीं है, इसलिए मैं नहीं निकलती। तो इसी वजह से मैंने उसका बर्थडे था 23 अगस्त को, तो मैंने परचेजिंग करनी थी, जन्माष्टमी था, रक्षाबंधन था, तो उसके लिए भी परचेजिंग करनी थी, तो इसलिए मैंने सभी परचेजिंग ऑनलाइन की है। तो उसी को मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ऑनलाइन शॉपिंग पे। तो मैं आपको पहले अपनी छोटी बेटी के कपड़ों को दिखाऊंगी, और भी कई चीज़ें ली उसको दिखाऊंगी, उसको शो करूंगी कि क्या अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छी क्वालिटी थी कपड़े की। ये है पहला कपड़ा, ये है टी शर्ट, जो कि मेरी बहुत ही सॉफ्ट है, आप इसे देख सकते हैं बहुत, और कलर भी बहुत प्यारा है पीछे से है, और बहुत कंफर्टेबल है छोटे बच्चे के लिए। और इसके साथ मैंने सेट में ये कैप्री ली है, बहुत ही प्यारी लग रही थी जब वो पहनी थी। और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, और ये जो ब्रांड है वो मैक्स का है, मैक्स ब्रांड का है। ये मुझे लगभग 300 के रेंज में दोनों ही मिल गई थी, और सेकंड सेम रेंज में ही था ये भी। ये टी शर्ट है, और ये इस पर कैप भी है। और ये मैंने, जो कि मेरी बेटी 1 साल की है, इसलिए मैंने जो साइज़ चार्ट चूज़ किया था वो 12 से 18 महीने, और ये भी मैक्स का ही है। और ये तो मैंने दोनों अमेज़ॉन से मंगाया था, और मैं एक और सेट आपको दिखाऊंगी जो कि मैंने फर्स्ट प्राइस मंगाया था, और वो उसके बर्थडे के लिए मंगाया था। आप लोग ने अगर मेरे बर्थडे का वीडियो देखा होगा बच्चे के, तो उसमें ये पहना है उसने, ये उसकी टी शर्ट है, पीछे से ऐसे फ्रिल है, ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत कंफर्टेबल कपड़ा है। और इसके ऊपर मैंने सेट मंगाया था ये स्कर्ट, और इस स्कर्ट में ये अच्छी बात है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ये जो है ये बिल्कुल टाइट नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है उसके लिए, न्यू था फिर भी बहुत कंफर्टेबल है। और अंदर से ये पैंट की तरह है, आप देख सकते हैं, जिससे कि बच्चे को पहनाने में ईजी है अगर वो डायपर वगैरह पहने हैं। इसने अपने फर्स्ट बर्थडे में पहना था, ये बेबी हग का है, बेबी हग ब्रांड है, और इसी के साथ मैंने फर्स्ट प्राइस से उसके लिए ये भी मंगाया था, पफ देख सकते हैं, सॉरी, और ये इसका पफ है, बहुत सॉफ्ट है। ये बेबी हग एक अच्छा ब्रांड है, और ये एक सैंडल उसकी सेट से मंगाया था, क्योंकि रेड कलर था, तो ये सैंडल मैंने मंगवाई थी उसके लिए। ये मुझे लगभग 313 के रेंज में मिली थी, और ये आवाज़ करने वाली सैंडल है, और बिल्कुल साइज़ जो है उसके कंफर्टेबल हो गया था, उसके एज के अकॉर्डिंग मैंने उससे मंगाया था, और वही सेम एज मैंने उस पर भी लिखा था 12 से 18 मंथ, और बिल्कुल साइज़ की हल्की सी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, उतना कंफर्टेबल उसके लिए, आराम से वो चल दे रही है। और ये एक मैंने और मंगाया था अमेज़ॉन से, ये जो ब्रांड है वो मैंने जीनी एंड जॉनी ब्रांड का,
ये है कि आप जो ब्रांड मंगाते हो वही ब्रांड आता है। अब पहले की तरह चीज़ें नहीं होती, बिल्कुल आप बिलीव करके सारी ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। ये तो मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए मंगाया था और मैंने बड़ी बेटी के लिए भी कुछ चीज़ें मंगाई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये है पेपे जींस का टी शर्ट मंगाया था। छोटी बेटी है जो 12 साल की है, बड़ी बेटी मेरी 12 साल की है, तो उसके लिए मैंने ये मंगाया था। और ये एक मैंने ये मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया था। और ये एक और सेट मंगाया था, आप देख सकते हैं ये ड्रेस है। आप चाहे तो उसको सिर्फ ड्रेस पहन सकते हैं, उसके नीचे चाहे तो आप जीन्स लैगी वगैरह भी पहन सकते हैं, जिसमें कंफर्टेबल वैसे पहन सकते हैं। ये भी मैंने अपनी बेटी के लिए ही मंगाया था, 12 साल की है, और उसके साथ ये एक बेल्ट था। ये दोनों अपनी बेटी के लिए मंगाया था, बड़ी बेटी के लिए, और मैंने अपने लिए भी मंगाया था। ये जो मैंने आपको दिखाया ये कपड़ा, ये मैंने मिंत्रा से मंगाया था। आप देख सकते हैं मैंने लगभग हर सारी चीज़ें मंगाई हैं, लगभग कुछ सभी ब्रांड की मंगाई हैं और कई सारे ऐप से मंगाई हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस आप बिलीव कर सकते हैं ऑनलाइन परचेजिंग पे, ऑनलाइन शॉपिंग पे। कि मैं अपने ड्रेस को दिखाना चाहूँगी, ये आप देख सकते हैं ये गाउन है, मैं आपको पहले उसकी दिखाऊँगी। मुझे मीडियम साइज़ आती है तो मैंने मीडियम साइज़ मंगाया था। और एक और कपड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। बहुत कंफर्टेबल कपड़ा है, आप देख सकते हैं, और नीचे फ्रिल है, बिल्कुल साइड में कटी हुई दिखती है। उसके साथ साथ में ये पैंट है, ये पैंट, बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा है। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, ये भी मैंने मीडियम साइज करके ही मंगाया था और मुझे बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे कोई अल्टरनेट वगैरह कुछ भी नहीं कराना पड़ा, साइज बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह मैंने ऑनलाइन चीज़ों को मंगाया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये बताना चाहती हूँ कि ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग पे भी बिलीव किया जा सकता है, क्योंकि अब वो पहले जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी। अब हर चीज़ आप मंगाते हो तो अच्छी है। हाँ, बस ये है कि आप ब्रांड जहाँ से मंगा रहे हैं वो एप्लीकेशन आप देख ले सही है, अच्छी है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन पे बिलीव किया जा सकता है। इवन मैंने फ्लिपकार्ट से अपना डबल बेड भी मंगवाया था और मैंने वॉशिंग मशीन भी मंगवाया था और मैंने स्मार्ट टीवी, सैमसंग का स्मार्ट टीवी, वो भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगवाया था। अब ये वॉशिंग मशीन पीछे आपको दिख रहा होगा कि मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगवाया था। और मैं आपको अभी अपना स्मार्ट टीवी दिखाऊंगी, वो भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगवाया था। सो प्लीज़ अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये है सैमसंग का स्मार्ट टीवी जो मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से। तो ये थे मेरे ऑनलाइन एक्सपीरियंस। आई होप आप लोग भी थोड़े बहुत जो डाउट्स होंगे किसी के मन में, कुछ तो क्लियर हुआ होगा कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ हमें कमेंट में सजेशन दें। थैंक यू।